ऐसे किसी भी शैम्पू को आप यूज़ कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता है कि किसी शैम्पू को आप यूज़ किए तो आपके हेयर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी ऐसा नहीं होता है। एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ लॉरियल पैरिस सिक्स ऑयल नॉरिशिंग शैम्पू एंड लॉरियल पेरिस की सिक्स ऑयल नॉरिश रैपिड रिवाइवर डीप कंडीशनर तो पहले मैं शैम्पू की बात करती हूँ ये जो शैम्पू है वो है लॉयल पेरिसक्स ऑल नॉरिशिंग शैम्पू एंड ये ड्राई एंड डल हेयर वालों के लिए है एंड मैंने जो शैम्पू लिया है वो 192.5 नाइनटी की है एंड इसकी जो प्राइस है वो वन थर्टी है काफ़ी अफोर्डेबल शैम्पू है ये इस शैम्पू की जो क्लेम्स है वो है कि ये जो शैम्पू है वो आपके हेयर को स्ट्रॉग सॉफ्ट स्मूथ थिक शाइनी एंड मैनेजेबल बनाने वाली है तो मैंने इसे काफ़ी टाइम से यूज़ किया है एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपको बताती हूँ तो ये जो शैम्पू है आप इसे यूज़ करोगे तो आपके जो हेयर है वो मैनेजेबल होंगे एंड आपके जो हेयर है वो सॉफ्ट और स्मूथ भी लगने वाले हैं एंड काफ़ी हद तक आपको स्ट्रॉन्ग भी फील होगा कि आपके हेयर काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं बट हाँ ये जो शैम्पू है वो आपके हेयर को थिक नहीं बनाती एंड शाइन डिपेंड करता है आपके क्वालिटी ऑफ हेयर पे एंड जो शाइन है वो डिपेंड करता है कि आपकी जो हेयर की क्वालिटी है वो कैसी है क्योंकि किन्हीं किन्हीं के काफ़ी स्प्लीटेंट्स होते हैं एंड काफ़ी ड्राई एंड रफ होते हैं उनके जो हेयर के इंट्स हैं एंड जो फुल हेयर की लेंथ है वो तो एंड अगर आप ये सोचोगे कि आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो एंड आपके जो स्प्लीटेंट्स हैं एंड बहुत ही ज़्यादा ड्राई हेयर है वो एकदम से शाइन करने लगेंगे तो ऐसा नहीं होता मे बी आप इसे एक लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ करो तो वो थोड़े आपके जो हेयर है वो शाइन करने लगे तो उसकी मैं गारंटी नहीं देती हूँ कि वो करने लगेंगे बट हाँ ये जो है वो आपके हेयर को सॉफ्ट स्मूथ मैनेजेबल बनाती है एंड थिकनेस थिकनेस भी इस शैम्पू से एक एल्यूज़न से आपको मिल सकता है कि एक आपके हेयर जो है वो वॉल्यूमाइज़ हो गए हैं तो आपको लगेगा कि आपके हेयर थोड़े थिक हैं बट ऑरिजिनली में ये जो शैम्पू है वो आपके हेयर को थिक नहीं बनाती आप तो थिन हेयर वालों को थोड़ा एल्यूज़न होगा कि उनके हेयर थिक हो रहे हैं बट ऐसा कुछ भी नहीं है आपकी जो हेयर की थिकनेस है वो उतनी ही रहने वाली है ऐसे किसी भी शैम्पू को आप यूज़ कर रहे हो तो ऐसा नहीं होता है कि किसी शैम्पू को आप यूज़ किए तो आपके हेयर की जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी ऐसा नहीं होता है एंड इस शैम्पू की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया वो ये था कि मेरे थोड़े हेयर फॉल हो रहे थे काफ़ी ज़्यादा नहीं बहुत हेवी और सीवियर हेयर फॉल नहीं थे वो काफ़ी माइल्ड से हेयर फॉल हो रहे थे तब मैंने इस शैम्पू को यूज़ करना स्टार्ट किया था तो मेरे जो वो हेयर फॉल थे वो काफ़ी हद तक कम हो गए थे तो जिनके भी थोड़े माइल्ड से फॉल हो रहे हैं तो जिनके भी थोड़े हल्के हेयर फॉल हो रहे हैं वो इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि शैम्पू को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़े आपके फॉल कम होंगे ऐसा मैंने एक्सपीरियंस किया है जब मैं इस शैम्पू को यूज़ कर रही थी तब तो ये तो इस शैम्पू की बात अब मैं आपको बताती हूँ कंडीशनर के बारे में कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा इस कंडीशनर को यूज़ करने के बाद तो ये जो कंडीशनर है वो लॉरियल पेरिस सिक्स ऑयल नॉरिशिंग रैपिड रिवाइवर डीप कंडीशनर है एंड ये जो है वो टू एक्स नोरिसमेंट कंडीशनर है विथ माइक्रो ऑयल्स एंड ये भी ड्राई हेयर वालों के लिए है ये जो है वो वन एटी की कंडीशनर है एंड इसकी जो प्राइज़ है वो टू फोर्टी है तो ये जो कंडीशनर है वो स्पेशल क्यों है तो ये जो कंडीशनर है वो इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये एक नो लिविंग टाइम कंडीशनर है एंड इस कंडीशनर को बस अपने हेयर इंड्स पे लगाना है एंड कुछ सेकंड तक मसाज करनी है एंड उसके बाद देन आपको वॉश कर देनी है अच्छे से बस इतना ही इसे रखना है आपको इस कंडीशनर को ज़्यादा टाइम तक वो एक मिनट दो मिनट तीन मिनट वैसा नहीं रखना है तो ये जो कंडीशनर है वो उन लोगों के लिए है जिन्हें कंडीशनर ज़्यादा टाइम तक रखना पसंद नहीं है या फिर उनके पास टाइम नहीं है कि वो उतने टाइम तक कंडीशनर रख पाए तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ये टू एक्स नोडिसमेंट कंडिशनर है तो आप इसे यूज़ करोगे तो आपके हेयर काफ़ी डिफरेंट लगने वाले हैं काफ़ी स्मूथ हो जाएंगे शाइन आ जाएगी आपके हेयर में तो वैसा कुछ नहीं है देखिए अभी मैंने इस कंडीशनर को यूज़ किया है एंड आप देख सकते हैं तो आप देख सकते हैं मैंने इस कंडीशनर को यूज़ किया है अपने हेयर पे एंड नॉर्मल सी कंडीशनर है तो ये जो कंडीशनर है वो एक नॉर्मल सी कंडीशनर है ऐसा कुछ भी मैजिकल नहीं है इसमें कि ये आपके हेयर को बहुत ही फर्स्ट वॉश में ही काफ़ी डिफरेंट लुक देने वाले हैं काफ़ी शाइनी एंड स्मूथ एंड काफ़ी अलग सा आपके हेयर का टेक्स्चर होने वाला है ऐसा कुछ भी नहीं है इस, ये इसलिए स्पेशल है क्योंकि आपको इसे रखना नहीं है अपने हेयर पर बस इसकी बस इतनी ही यूज़ है कि अगर आपको कंडीशनर रखने में प्रॉब्लम है तो आप इस कंडीशनर को यूज़ कीजिए क्योंकि इसे नहीं रखना ज़्यादा टाइम तक अपने हेयर पर ओके दैट्स इट फॉर दिस वीडियो आई होप कि आपको मेरी वीडियो इनफॉर्मेटिव एंड यूज़फुल लगी हो एंड अगर आपको मेरी वीडियो इनफॉर्मेटिव एंड यूज़फुल लगी तो उसे प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दे शेयर कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।